जानिए क्यों जवान के बाद नयनतारा नहीं करेंगी किसी फिल्म में काम, सिर्फ एसआरके के खातिर कर रही है फिल्म की शूटिंग। दोस्तों, नयनतारा जो कि तमिल इंडस्ट्री की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, लेकिन फिलहाल वो एसआरके की फिल्म जवान में काम कर रही हैं। ये नयनतारा के लिए पहली बार होगा जब वो बॉलीवुड के किंग के साथ नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि नयनतारा एसआरके की बड़ी फैन है और इसी के खातिर वो जवान फिल्म की शूटिंग कर रही है, क्योंकि वो जवान फिल्म से पहले कोई भी फिल्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एसआरके के खातिर ही जवान फिल्म की शूटिंग की है। वो जवान फिल्म से पहले ही किसी भी फिल्म में काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक उन्हें फिल्म जवान का ऑफर हुआ और जैसा कि नयनतारा का एसआरके के साथ काम करना एक सपना था, वो अपने इस सपने को ठुकरा भी कैसे सकती थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी और वो फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करने लगी। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो नयनतारा जवान फिल्म के बाद किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगी। वो 2025 तक एक लंबा ब्रेक लेंगी और फिर लंबे ब्रेक के बाद ही वो अपनी अगली फिल्मों में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली नयनतारा की तरफ से कुछ भी जानने को नहीं मिला ऐसा। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म जवान में एसआरके के साथ लीड रोल में नयनतारा देखने को मिलेंगी। इस फिल्म में विलन के रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म जवान को लेकर, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।